हेलो ऑल, वेलकम टू द विप्शो एकेडमी। आज हम इस वर्कशीट में इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन और इक्वेशन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, वही सब चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इक्वेशन में भी अपने आप में जानने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की। आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा, आपके पास एक पेज दिख गया होगा कि इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, साइंस, इन सब चीज़ों से मिलकर ही एक इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी बच्चे कोई कॉन्स्टेंट और वेरिएबल साथ में कोई साइन मैथ्स का, यानी कोई भी साइन नहीं, प्लस या माइनस ही, प्लस और माइनस का कोई साइन, ठीक है, और फिर से कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ये पूरा आपका एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये इक्वेशन है, नहीं, ये अभी तक इक्वेशन नहीं है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना है वो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। अगर मैं इस चीज़ को छुपा दूँ यहाँ से, ये चीज़ ना लिखूँ, आप मान लीजिए ये चीज़ नहीं है, अगर सिर्फ इतनी ही चीज़ लिखी गई है और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ दिस एन इक्वेशन और एन एक्सप्रेशन, तो आप लोग कहेंगे कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन। आप इक्वेशन नहीं बोलेंगे जब तक कि इसके पास इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये इक्वेशन नहीं बनेगी, ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं टर्म्स के बारे में। ये देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है टर्म्स से मिलकर बनता है। जैसे कि जो ये प्लस का साइन है, प्लस हो या माइनस हो, ये इन दो टर्म्स को लिंक करता है। 3x और 7, ये दो टर्म्स हैं, ये दो इसकी टर्म्स हैं, ये दो इस एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं। तो इन दोनों टर्म्स को लिंक कर रखा है इस साइन ने, प्लस ने, ठीक है। तो ये अलग एक टर्म है और ये अलग एक टर्म है। और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, इस दिए हुए एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो आपका जवाब होगा टू टर्म्स, क्योंकि एक ये है और एक ये टर्म्स है। मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, 2x प्लस 4y प्लस 6, और अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, देन यू हैव टू आंसर दैट देयर इज 3 टर्म्स, ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स। यहाँ पर 3 टर्म्स है, ये 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी टर्म्स, यहाँ पे हो जाएंगी आपकी 3 टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स होती हैं। अब आगे समझ लेते हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ये देखिए, कोई भी टर्म बेटा, जैसे मान लो ये मैंने टर्म ली है, तो इस तरह के टर्म्स में दो होती हैं चीज़ें। एक ये जो नंबर्स होता है, जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, और हैं वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, जो अननोन नंबर होता है। ये नॉन है, यह पता कि 3 है, तो ये कॉन्स्टेंट है, और जो अननोन होता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये होता है आपका वेरिएबल, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। आपको समझ आ गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए, एक एक्सप्रेशन के आगे जब इन सब एक एक्सप्रेशन के आगे जैसे ही इक्वल टू का साइन लग जाता है और उसके आगे कोई कॉन्स्टेंट दे दिया जाता है आपको, तो इक्वल टू के साइन और कॉन्स्टेंट लगने की वजह से ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका ये एक्सप्रेशन कहला रहा था, लेकिन जैसे ही इसके आगे इज इक्वल टू का साइन आया और कोई कांस्टेंट आ गया, वो कांस्टेंट 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ है कि जैसे ही इज इक्वल टू हमने पुट किया इस एक्सप्रेशन के आगे और उसके आगे कोई हमने कांस्टेंट लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इक्वेशन कहलाता है। आपको समझ आ गया? चलिए,
अगर समझ आ गया तो मैं आपको दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ लिखूँ 4m, वेरिएबल बेटा कुछ भी हो सकता है, m भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है, ये सब जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं किसी कांस्टेंट के साथ में सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे 4m है और मैंने लिख दिया 7n है इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 9, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो हमें बताना है, पहले तो ये बताइए कि इसमें टर्म्स कितनी हैं, इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी हैं, टर्म्स हो गई इसकी 2, राइट। अब उसके बाद अगर मुझे बताने हैं वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स कितने, m और n 2, ठीक है। उसके बाद अगर कांस्टेंट कहें कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, 4, 7 और 9 कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर कहें कि इस गिवन इक्वेशन में एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको लिखना है 4m प्लस 7, 9 एक्सप्रेशन है, इज दैट क्लियर। तो ये टर्म्स हो गई, वेरिएबल्स हो गए और कांस्टेंट्स हो गए और एक्सप्रेशंस हो गए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ, ये देखिए, अगर आपको दो चीज़ें दी गई हों, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 3y + 8 एंड 3m + 9 इज इक्वल टू 2। अगर कोई आपसे कहे कि इन दोनों में से एक्सप्रेशन कौन सा है, तो आपको बताना है कि एक्सप्रेशन ये है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से इक्वेशन कौन सा है, तो आपको ये इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी वर्कशीट, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। टिल नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट वीक, गुड बाय फ्रॉम हियर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।